हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। कल एक्चुअली हम लोग मेले से बहुत रात को आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 3:30 बज गए थे। सुबह के 3:30 बजे आए हैं हम लोग, मतलब 3:30 बजे आए हैं। आद्विक तो कार में ही सो गया था, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा वीडियो आके बढ़ाई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है व्लॉग का ना, कल का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि रामलीला भी देखी, फिर सारे भैया वगैरह सारे कास्ट से मिले, आपको भी मिलवाया दिखाया, मतलब मिलवाया तो क्या दिखाया, और रामलीला दिखाई। फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, और हमने खाया पिया वहाँ पर, खूब झूले भी झूले। अब मैंने सारे झूलों की वीडियोस तो नहीं डाली, अगर मैं डालती दिखाती तो और लंबा हो जाता व्लॉग, तो इसलिए नहीं दिखाया और ज़्यादा। बाकी मैं थक बहुत गई, बिकॉज आपको पता है कि कल अष्टमी भी करी, फिर अष्टमी करने के बाद हम लोग वहाँ गए, मैंने फिर पूरे फास्ट भी रखे हुए थे, तो हम सब बहुत थक गए। तो फ्रेंड्स आज बहुत लेज़ी लेज़ी सा डे है, बिकॉज हम लोग उठ गए हैं, हम लोगों का आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। एक तो इतने दिनों से उठ के सीधा पूजा पाठ में लग जा रहे थे, आपको भी दिखा रहे थे, सब कर रहे थे, तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था हमको ना कि ये सब हो रहा है घर में। और घर में मतलब पूजा होती है, डेली होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट ये जो माता रानी के डेज होते हैं ना, ये मतलब इतने अच्छे, मतलब इतना, मतलब पता नहीं मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट इन दिनों में अलग ही एक मज़ा होता है, अलग ही अपना एक अच्छा लगता है। बाकी ये रहे आद्विक। आई एम स्पाइडरमैन। हेलो करो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्पाइडरमैन। फ्रेंड्स ये इसने तो अपनी पूरी नींद ले ली है, एक्चुअली ये सो गया था कार में, जैसे ही हम लोग कार में बैठे तो गौरांश और आद्विक दोनों सो गए थे। फिर हम लोग घर आए, पहले गौरांश को मतलब निखिलर को ड्रॉप किया, वो लोग घर गए, फिर हम लोग अपने घर आए उनको ड्रॉप करने के बाद। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई और ज़्यादा, बिकॉज मेरे हाथ में सामान था, फिर आद्विक भी था गोदी में, तो फ्रेंड्स आज है मतलब नवमी का दिन, बट हम लोग मतलब आज बहुत लेज़ी लेज़ी हो रहे हैं। तरुण जी ने पूजा कर ली, और पूजा कर लिया उन्होंने, बट आज वो दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरे सर में हो रहा था बहुत दर्द, तो मैं भी इतना वीडियो बना नहीं पाई, आज मन नहीं लग रहा। एक तो माता रानी आज विदा हो जाएंगी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कुछ भी करने का कुछ, और आज से मतलब मैं खाना भी खाऊंगी, जैसे मेरा खाना पीना भी नहीं हो रहा था, अब खाना पीना स्टार्ट होगा, तो हाँ मतलब ये तो है कि खाना पीना स्टार्ट होगा, बट पता नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा कि वो एक, चलिए कोई नहीं, चलता है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी हम आपसे ऐसे ही व्लॉग में बने रहेंगे, और भी नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे, बट वही डेली रूटीन ही आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ ये किया वो किया, हाँ बट ये है कि जितना हमसे अच्छा बन पाएगा व्लॉग, जहाँ हम जा पाएंगे कर पाएंगे, उतना हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ गए, क्या किया, क्या बनाया। बाकी ये रहे तरुण जी। खराब है हम सारे ही इस बात। खैर चलिए आज का दिन शुरू हो गया है, आलस भरा हमारे लिए, बाकी फिर हम आपको दिखाते हैं हम क्या करते हैं कहाँ जाते हैं। आज ऐसा कुछ है नहीं, वैसे था हमारा प्लान कि हम सीआर पार्क जाएंगे, बट नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे एक दो काम है, और मैं थोड़ा, मेरे को आज सर भी दर्द, सर में बहुत दर्द है, तो बस मेडिसिन लूँगी और अपने काम के लिए निकलूँगी, तो वो काम मेरे मतलब मैं वो व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, वो अपने काम वो मेरे थोड़ा गुरुजी से रिलेटेड होते हैं थोड़ा, तो इसलिए लगता है क्या दिखाना। चलिए फ्रेंड्स अगर हम शाम को कहीं गए तो मैं आपको दिखाऊँगी कि हम कहाँ गए,
क्या खाया, क्योंकि बहुत दिन हो गए कुछ ऐसा खाया नहीं है डिफरेंट कुछ, तो आज क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की। कल भी मैंने मेला में कुछ नहीं, बस वो जो चाप ली थी ना इन्होंने, बस वही खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि इतने दिनों से खा नहीं रहते ना, तो एक होता है कि एकदम से खाने का नहीं मन करता, तो मैंने कुछ नहीं खाया, बस वो चाप जो खाई थी मलाई चाप, वो आद्विक ने और मैंने खाई, मतलब सबने खाई थी मतलब, बट आद्विक और मैंने बस वही खाया, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। बाकी इन लोगों ने पराठे वराठे भी खाए, और फ्रेंड्स हमने तो पिज्जा भी खाया और चिप्स भी खाए। वैसे भी जब वो बोला था वो 2-3 घंटे का था, फिर उसके बीच में हमने चिप्स खा लिए और पिज्जा खा लिया। गौरांश ने भी चिप्स खाए और मैंने भी एक बार चिप्स खाए, फिर दोनों ने पिज्जा खा लिया। फ्रेंड्स गौरांश कभी कुछ ऐसा फास्ट फूड नहीं खाता है, बट कल उसको भी पिज्जा ही खाना था, उसने पिज्जा की जिद करी अपनी मम्मा से कि मुझे वही खाना है, फिर उसकी मम्मा ने उसको फर्स्ट टाइम पिज्जा खिलाया, उसने खाया, और खाया क्या उसने, मतलब सारा अपने आप को गंदा कर लिया था, अब सारे हाथ वाथ सब गंदे कर लिए थे। अब फिर रात को पराठे खाए थे हम लोगों ने। खैर मैंने अंश को कुछ ऐसा नहीं खाता वो बाहर का ना, बस उसको नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अंश मतलब कि बड़ा अंश, उसका निकनेम है अंश, इसलिए बोलते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी रामलीला, मेरे भैया कैसे लगे, भाभी कैसे लगी। बाकी हम आज देखते हैं, हम मिलते हैं फ्रेंड्स कहीं जाते हैं तो, बाकी हम क्या दिखाएं, हम सैड सैड सा, तो कहीं जाते हैं तो दिखाते हैं आज कुछ, तरुण जी शायद कुछ खिलाएंगे, है ना तरुण जी, आप आज कुछ खिलाएंगे हमें? हाँ जी खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे आज आप हमें? आप जो बोले वो खिला देंगे। गोलगप्पे। फ्रेंड्स देखो इसकी डिमांड तो देखो, बस गोलगप्पों पे आके अटक जाती है इसकी डिमांड। वैसे हाँ मन तो मेरा भी, मतलब मेरे को गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है, बट आई डोंट नो इसको इतने गोलगप्पे क्यों पसंद है हमें नहीं। हाँ पता है क्योंकि जो मम्मी जी है मतलब आद्विक की जो दादी है, उनको गोलगप्पे बहुत पसंद है, ना मुझे इतने पसंद ना तरुण जी को पसंद इतने गोलगप्पे, बट हाँ मम्मी को बहुत पसंद है, मतलब कि मेरी सासू माँ यानी कि आद्विक की दादी को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो आद्विक को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। मतलब हम अगर बाहर निकले हैं ना तो आद्विक का एक ही होता है, गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, तो उसको बहुत शौक है गोलगप्पे। हम पहले सोचते थे इसको ये शौक क्यों है गोलगप्पे खा, क्योंकि मैंने अपना प्रेगनेंसी टाइम पे भी गोलगप्पे नहीं खाए, बट अब हम मेरे को याद आया कि हाँ आद्विक की दादी को पसंद है गोलगप्पे, तो दादी पे गया है ये इस मामले में कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। चले फ्रेंड्स देखते हैं शाम को जाते हैं तो फिर गोलगप्पे खाते हैं, क्या खाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं बाद में। फ्रेंड्स हम लोग निकले हैं अभी कुछ बाहर घूमने के लिए, घूमना क्या आद्विक बोलने लगा कि मम्मा चलो बाहर चलो, आज घर में पूरा दिन बोर हो गया हूँ, इसकी एक्चुअली छुट्टियाँ चल रही हैं ना तो इसलिए घर में रह रहा है तो बोर हो गया, आज गए नहीं हम कहीं और ना हमने कुछ इसके साथ मस्ती करी, आज पापा भी थोड़ा सा लेजी लेजी हो रहे थे तो इसलिए पापा ने भी ज़्यादा खेला नहीं कुछ नहीं, तो अभी आद्विक ने पढ़ाई वढ़ाई कर ली सब कर लिया, उसके बाद अब हम लोग निकले हैं कुछ खाने के लिए, तो फ्रेंड्स चलो आप लोग भी हमारे साथ देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और आप सब भी आ जाइए हमारे साथ। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं फिर दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम निकल गए हैं घर से तो अभी देखते हैं जाके कि कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं मालवे नगर मार्केट, वहाँ पर खाने आए हैं कुछ टेस्टी सा। एक्चुअली तरुण जी का बहुत मन कर रहा था क्योंकि कल तरुण जी ने इतना नहीं खाया था मेले में, तो तरुण जी ने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि चलो चाप खाते हैं, तो फिर हमने निखिल को कॉल किया कि निखिल कहाँ अच्छी चाप मिलेगी, तो निखिल ने बताया कि मालवे नगर में यहाँ जाओ वहाँ अच्छी मिलेगी, तो हम लोग मालवे नगर आ गए चाप खाने के लिए, तो अभी तरुण जी पहुँच गए हैं वहाँ पर,
डेस्टिनेशन पे, ये रही चाप की शॉप। यहाँ पे अब तरुण जी ऑर्डर करेंगे मलाई चाप और रुमाली रोटी। बस यही लिया था और फिर यही खाया तरुण जी ने और आद्विक ने भी। आद्विक का भी बहुत मन कर रहा था कि मम्मी वही खानी है, चाप खानी है। तो फिर हम लोग चाप लेने के लिए, मतलब सॉरी लेने नहीं, खाने के लिए आ गए। और ये देखिए तरुण के साथ कैसे आद्विक मस्ती करने में लग रहा है, कभी मम्मा के साथ कभी पापा के साथ, इसकी मस्ती चालू है फ्रेंड। भैया हम खाएंगे मलाई चाप। क्या मलाई चाप? क्या मलाई चाप? खाने पे फुल मलाई। ये आ गया कितने हो गए? आप देखो कुछ बोलेगा ये ठंडी है, अभी नॉर्मल हो जाएगी फिर आपकी। मम्मी ने झूठी कर दिया। नहीं करी, खोलना नहीं खोलना नहीं। हम फ्रेंड देख रहे हो क्रिकेट की दुकान, यहाँ से चाप लेके खाते खाते भी क्रिकेट खाने में ध्यान कम मैच में। भाग रहे हैं क्योंकि शॉप बंद होने का टाइम हो गया, इनको कल कुछ बनाने को कमिटी जाए के लिए। बैलून तो ये तो दिल वाला है। ओ पापा आई लव यू बोल रहा है आद्विक को। थैंक यू हैं, मतलब कि आई लव यू। क्या आई लव यू? सही से बोल, आई लव यू। किसको बोल रहे हो? पापा को बोल रहा हूं। ऊपर फटना जाए फिर, ऊपर ना लग जाए, इधर पाल लूं हाथ में। नहीं ऐसे पकड़ के रखो, रुको लंबा कर ले, यहाँ से पकड़ ले, तुम ऊपर जा ही नहीं पाएगा। अरे पापा, मैं अपना दिल पेड़ पे छोड़ाया, पापा ने ये दिया मुझे, इसलिए अपने दिल को ऐसे बलून से बांध के दे दिया। ये बहुत बड़ा दिल है। किसका? आपका। ये देखो कितना बड़ा है। मेरे दिल में आप भी समा गए हो, मम्मा भी समा गई है। इतना बड़ा हो गया क्या हाइट में?
फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं अब, और आदित्य लाया है अपने लिए बलून, तो वो ऊपर टंग गया है, तो आदित्य उसके साथ मस्ती कर रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी हम लोग। हाँ जा रहा है वॉशरूम, हैंड वॉश करेगा, फेस वॉश। फ्रेंड्स अभी पता है क्या हुआ, पापा गए वॉशरूम में हैंड वॉश करने, फेस वेस वॉश करने, तो उन्होंने ना टैप ऑन किया, उनसे ना गलती से ना शावर ऑन हो गया, और पापा ना पूरे गीले हो गए। देखो टी शर्ट इधर आओ ना, ये देखो फ्रेंड्स पूरी टी शर्ट गीली हो गई, डार्क कलर में पता नहीं चलेगा। और पापा पूरे गीले हो गए फ्रेंड्स, पापा भी ना। अरे देखिए फ्रेंड्स ये कर रहा है, साध्विक कर रहा है मस्ती अपने बलून के साथ। आज लेके आया है अपना हीलियम गैस वाला। क्या हीलियम गैस? हीलियम गैस होती है जो किसी को भी ऊपर ले जा सकती। फ्रेंड्स अब हम करते हैं इस व्लॉग को एंड, और कल आपसे मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में। फ्रेंड्स मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट बाय। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, गुड नाइट।